दिल्ली के कबीर नगर इलाके में बुधवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। ये हादसे के बाद की तस्वीर है। तस्वीर में इमारत का मलबा है। दरअसल जब आधी रात में लोग सो रहे थे तभी एक इमारत ढह गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। बुधवार रात 2:16 पर पुलिस को कॉल कर इस हादसे की जानकारी दी गई। इमारत ढहने की ये घटना दिल्ली के कबीर नगर इलाके के वेलकम में गली नंबर 4 में हुई। रात को एक 2 मंजिला पुरानी इमारत भरभराकर गिर गई। दरअसल कहा जा रहा है कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर जींस कटिंग का काम किया जा रहा था। इस हादसे से गिरे मलबे में वहां काम कर रहे 3 मजदूर दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही NDRF की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे को हटाकर भीतर फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इमारत गिरने की घटना में 30 साल के अरशद और 20 साल के तौहीद की मौत हो गई। वहीं 22 साल का रेहान इस घटना में बुरी तरह से घायल हुआ है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सर, मैं घर पर लेटा हुआ था। मैं रमजान चलने तो ज्यादातर शहरी में सोना, शहरी के बाद ही सोना होता है नमाज पढ़ने के बाद। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर मतलब मकान गिर गया है, उसमें मलबे में दब गए हैं लोग बाग। तो हमारे जो लोकल एरिया के हम लड़के थे, 14-15 लड़के थे, वो लगे हुए थे, 14 लड़के लगे थे। उसमें पता चला कि मतलब 3 बंदे दबे हुए हैं, 4 बंदे टोटल, एक बंदा पहले ही बाहर चला गया था। तो उसमें टोटल 3 बंदे दबे हुए थे। तो जब हमने मतलब एक बंदे को निकाल लिया था जो इंजर्ड था, सिर पर चोट लगी हुई थी, तो फिर उससे पूछा गया, उसने बताया कि 2 बंदे और दबे हुए हैं, एक कोने में, एक साइड में। तो फिर जब उसने बताया तो 2 बंदों को हमने फिर निकाला, हमने निकाल कर फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसमें से 2 बंदों की डेथ हो गई। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से, देखो जितनी जिंदगी लिखी हुई है वो अल्लाह उतनी देगा। लेकिन फकर ये है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे की तो जान बचाई हमारी कोशिशों से। बस ये था। तो हमारे बहुत सारे भाई थे यहाँ पे जो लोकल एरिया के नौजवान लड़के थे हमारे साथ के, तो वो बेचारे सब अंदर थे। ये रात का लगभग 2:15 का मामला है, 1:30-2:30 के बीच का टाइम मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। हाँ मतलब पता, हाँ नहीं मतलब डिमोलिशन का वर्क चल रहा था। देखो नॉर्मल चलता रहता है, किसी के हाथ में नहीं रहता था, अल्लाह की तरफ से है। कभी भी गिर सकती है कुछ चीज़ें, ब्रिज गिर जाते हैं, फ्लाईओवर गिर जाते हैं, तो रोल नहीं होता ना, ये तो लाइफ है। ये लेबर तब के थे शायद, वर्क करते थे बेचारे यहाँ पर। ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बस आइडिया इतना था कि जब बंदों को हमने निकाला उसमें से निकल गए बंदे, 2 बंदे जब तीनों बंदों को हॉस्पिटल चले गए बेचारे, वहाँ से वो उनकी सीरियस हालत थी, 2 बंदों की डेथ हो गई, एक बंदा थोड़ी कंडीशन थोड़ी ऐसी है उसकी, बाकी वो सही है। पुलिस के मुताबिक रात को करीब 2:16 पर इमारत गिरने की खबर मिली। इस इमारत की पहली मंजिल खाली थी और ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल जींस कटिंग के लिए किया जा रहा था। इमारत गिरने की वजह से 3 कर्मचारी मलबे में दब गए थे। तीनों को बाहर निकालकर GTV अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीसरे कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर्स की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। बिल्डिंग के मालिक की पहचान शाहिद के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद से उसका कुछ भी पता नहीं है, उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मामले की जांच जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।